हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल। अभी जस्ट मैं राया के साथ खेल रही थी और मुझे ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया, तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। उसके पहले ना मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने सारे जो ऑडियो वीडियो जितने भी सर्विसेज कॉल सर्विसेज है मैंने सबका एक रेट फिक्स कर दिया है, क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैंने एक्चुअली में सब रेट को फिक्स कर दिया है। और सब लोग ये पूछते दी इसका कितना प्राइस है, उसका कितना प्राइस है, तो अब मैं टेम्पलेट्स भेजती हूँ, तो वो टेम्पलेट में आप प्लीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना क्या क्या है आपको चाहिए, और उसके बेसिस पे आप मुझे वो पेमेंट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपने इतना अमाउंट किया है, मतलब ये सर्विस आपको चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, मेल नहीं पढ़ पाती हूँ मैं पूरा मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी ऐसा हो रहा है कि वो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो एवरी टाइम शी नीड्स मी नाउ, तो दैट्स व्हाई। तो कमिंग टू द पॉइंट, अभी जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ये सभी को एक साथ लेकर मैं बना रही हूँ। सबकी एक प्रॉब्लम जो है, छोड़ दीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप मान लीजिए आप सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो चीज़ जो है, वो वक्त जो है वो गुजर नहीं रहा है, जो मैनिफेस्टेशन है वो हो नहीं रहा है। और सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों की होती है वो ये होता है कि आपका फियर आपका मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है। दूसरा, आपको बिलीव ही नहीं होता कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप डिजर्विंग ही नहीं हो, आप वर्दी ही नहीं हो। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अभी मैं एक ब्लॉग पढ़ रही थी, उस ब्लॉग में ये था अबाउट नेविल गॉडेट, कि उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ को आप सच मानते हो वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, ये सभी को पता है, ये बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स बताए होंगे कि जो चीज़ आप सच मानते हो, जिस पे आपका बिलीफ है, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप उन चीज़ों को रियलिटी में लाते हो। मान लीजिए अभी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में भी चल रही है, ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं तो ये जो सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशन भी आप ही का बिलीफ का एक हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, बिलीफ होता क्या है। अगर आपको याद होगा आपने एक सेक्शन फिल किया होगा, कभी एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें होता था एक फिल इन द ब्लैंक होता था, दूसरा होता था ट्रू और फॉल्स, है ना। तो आज हम ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप ये गेम खेल के, ट्रू और फॉल्स वाला गेम खेल के आप अपना बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। माइंड एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो आसानी से मान जाती है, मतलब आप कुछ भी बोलो, कोई भी ब्लंडर आप बोलो तो वो मान जाती है। अब ब्लंडर मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके जितने भी बिलीफ है रिलेटेड टू डिजीज, रिलेटेड टू मैरिजेज, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू अट्रैक्टिंग एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, जितने भी आपके बिलीफ है, जितनी भी आपकी यकीन है आपका, ये सब यकीन कैसे बना आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आपने उसको कहीं पढ़ा होगा तो दिमाग ने ले लिया, दूसरा या तो आपने कहीं देखा होगा कि अरे इसकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये सच्चाई है, है ना। हम एक्सपीरियंस लोगों को देखते हैं कि अरे बेचारी के साथ ऐसा हो रहा है, बेचारी के साथ वैसा हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम मान लेते हैं सच, तो हाँ आपने कहीं देखा होगा ऐसी सिचुएशन को। तीसरी चीज, आपने कहीं सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि अगर आप ये करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आप चॉकलेट खाओगे तो आपकी कैविटी हो जाएगी, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करोगे वैसा हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, योर बिलीफ इज समवेयर रिलेटेड टू दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। बाद में जाते हैं कि बिलीफ होता क्या है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कह रही हूं कोई चीज और आप उस पर यकीन कर रहे हो, यकीन कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका बिलीफ, है ना। तो बिलीफ क्या है, बिलीफ मतलब होता है आप वहां पे फील करते हो इट इज ट्रू। कोई चीज आपको बकवास लगती है तो आप उसको कहते हो फॉल्स, तो जो बकवास लगती है वो कभी आपकी बिलीफ नहीं बनती है, बिलीफ हमेशा आपका ट्रूथ होता है। अब स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आते हो, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप जानते हो, तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कोई सच कोई झूठ नहीं है। नेविल गॉडेट कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक भगवान बसा हुआ है और उस भगवान को ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है। वो कहते हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसको नहीं पता, इसीलिए जो आप चीज पे यकीन मान लेते हो वो चीज को वो मैनिफेस्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो चीज वो चाहता है। दूसरी बात, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसी सोच आप रखोगे वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। अब सोच हमारे माइंड में ऑल अराउंड 60,000 अराउंड आपकी सोच आती है, तो हर सोच पे तो आपका ध्यान नहीं रहता है, तो जिस सोच को आप रेगुलरली सोच रहे हो वो सोच जाके वहां पे मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये जो रेगुलरली आप और रिपीटेडली आप जो चीज को सोच रहे हो वो जो सोच है वो आपका बन जाता है बिलीफ।
ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन अबाउट बिलीफ कि बिलीफ कहाँ से आया, बिलीफ आपने कैसे बनाया, बिलीफ आप किस तरीके से बनाते हो, है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि राया अकेली वहां है और मैं बस उसको देख रही हूँ कि वो वहां बैठी है और मैंने उससे बस 5 मिनट मांगा है, तो अब आई हैव टू फिनिश दिस अप अर्ली एज पॉसिबल। तो ये है कि आपने बिलीफ बना लिया, तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं। अब आपको क्या करना है, अब जो भी सिचुएशन आपके सामने है, मान लीजिए आपकी हेल्थ रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, आपके किसी भी रिलेटेड हो, आप उस सिचुएशन से फर्मली कहोगे विद कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं लुलुलपुलुल नहीं करने का, कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे आई डोंट एक्सेप्ट यू, मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ, आप एक बहुत बड़ा झूठ हो, तो मैं आपको कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अब आपका दिमाग घूमने लगता है, अरे यार ये तो दिख रहा है मुझे, वो रीजंस देने लगता है, अरे ये तो दिख रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो आपको फोन नहीं लगा रहा है, वो आपकी तबीयत, आप रोज दवाइयां खा रही हो, तो कैसे आप सही हो सकते हो, है ना। दिमाग चलने लगता है, तेज तेज चलने लगता है, जब आप उसको यू नो पुश करते हो, आप उसको रेजिस्ट करते हो, तो वो दोबारा चलने लगता है, तब आपको ये चीज कहना है कि आई डू नॉट एक्सेप्ट यू। अब प्यार से, फिर कॉन्फिडेंस के बाद आप आओगे प्यार पे कि देखो भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज जो पता है और जो यकीन है, जो हर एक होली बुक, अपने डिवाइन पावर का यूज करने का, फिर हर होली बुक में ये चीज कही गई है कि डिवाइन माइंड में कोई हेट्रिड नहीं है, कोई नफरत नहीं है, भगवान जो है वो पूरा पॉजिटिव है, तो उसके पास ना नफरत है देने के लिए, ना उसके पास कोई यू नो फेलियर है देने के लिए, देयर इज नो फेलियर, नो जेलेसी, नो हेट्रेड, नो स्कैरसिटी इन डिवाइन माइंड, है ना। डिवाइन माइंड में आपके भगवान के पास ये सारी चीजें नहीं है, तो आपके भगवान के पास क्या है, आपके भगवान के पास प्यार है, आपके भगवान के पास खुशियां है, आपके भगवान के पास दौलत है, आपके भगवान के पास इज्जत है, आपके भगवान के पास हेल्थ है, आपके भगवान के पास रिलेशनशिप्स है जो हमेशा अच्छी होती है। तो आप जब इस तरीके के रीजन देंगे डिवाइन माइंड को पकड़ के या डिवाइन पावर को पकड़ के, अपने दिमाग को आप बताओगे उसको कि क्यों आप ये चीज कह रहे हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अभी तक वो वही चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है बिना किसी रीजन के, जो आपके माँ बाप ने बोला, जो आपके यू नो फ्रेंड्स ने बोला, जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें अपने से ज्यादा लोगों पे ज्यादा भरोसा होता है, आपको लगता है अगर उसने बोला है, मुझसे किसी बड़े ने, किसी एक्सपीरियंस इंसान ने बोला है, तो वो सही बोला होगा, अगर किसी जगह पे मैंने पढ़ा है तो वो सही लिखा होगा, है ना। लेकिन आप ये भूल जाते हैं भाई वो अपने एक्सपीरियंसेस अपने साथ शेयर कर रहा है, वो उसके एक्सपीरियंस, उसके लिए क्या सच है क्या झूठ है वो उसको नहीं पता है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे वो कभी नहीं था, और जिसने भी लिखा है किताब वो भी सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, क्योंकि मैं आई अकेली हूं और जाऊंगी भी अकेले, राइट। तो जब आप इस तरीके से सोचोगे, अपने परसेप्शन को बदलोगे बिना किसी को यू नो डीमोरलाइज करके, बिना किसी को इंसल्ट किए, अगर आप खुद को बढ़ाओगे, आप खुद से ये कहोगे कि नहीं ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे ऊपर है कि मैं इसको सच मानूं या झूठ मानूं, ये मेरा थॉट है, मैं इसको सच मानूं या झूठ मानूं, मैं अपना थॉट नहीं हूं, मैं अपना माइंड नहीं हूं, तो मुझे पता है कि ये दोनों चीज मेरे अंडर है, मेरे कंट्रोल में। अगर आप मैनेजर हो और बाकी जो लोग हैं वो आपके कंट्रोल में है, तो वो चाहे कितना भी कुछ भी बोले, आप जो बोलोगे वो आपका मेन डिसीजन होगा, है ना। तो विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ, चेंज दिस बिलीफ एंड डू नॉट ट्रस्ट मी अगेन। बैठ के 5 मिनट सोचो, ये जो वीडियो खत्म हो गया अभी, इसके बाद आप थोड़ा देर बैठ के सोचो कि यार सच में क्या ये चीज सही है मेरे लिए करना या नहीं है। हर एक को हमने ऑब्वियसली हमने सबको एक इम्पोर्टेंस दी है, हमने सबको बोला अरे उसका हुआ तो मेरा भी होगा, डेफिनेटली आपका भी होगा, लेकिन क्या चीज जो स्ट्रगल वो किया है क्या वो रियलिटी है, क्या आप उस पर यकीन करते हो या नहीं करते हो, दैट इज योर कॉल, दैट इज योर टाइम, दैट इज योर वे टू थिंक। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।